दोस्तों आज मैं आपको डीडी फ्री डिश के किसी भी सेट ऑफ बॉक्स में ब्लूटूथ वाला एम्पलीफायर बनाना सिखाऊंगा। यानी कि आप किसी भी सेट ऑफ बॉक्स को आप नॉर्मली जैसे यूज करते हैं वो तो करेंगे ही, साथ में इसमें एक ब्लूटूथ लगा के एम्पलीफायर भी से आप बना सकते हैं। अब सेट ऑफ बॉक्स दो वेरिएंट में आते हैं, एक आता है एम्पलीफायर के साथ, एक आता है नॉन एम्पलीफायर में। जो एम्पलीफायर वाला होता है उसमें यहाँ पर आपको वॉल्यूम के स्विच बेस ट्रेबल के यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही उसी एम्पलीफायर बॉक्स में आप जस्ट पीछे आप देखेंगे तो आपको स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए आपको एक कनेक्टर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सेटअप बॉक्स है वो नॉन एम्पलीफायर वाला है, यानी कि अगर आपके पास एम्पलीफायर वाला है तो उसमें काफ़ी इजी होगा। अगर एम्पलीफायर वाला आपके पास नहीं है तो इसमें बताऊंगा, मेथड वही रहेगा, बस आपको उसमें भी बता दूंगा कि उसमें आप ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिंपल मेथड है ये, थोड़ा सा टफ मेथड है इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हो सकता है किसी के पास एम्पलीफायर वाला ना हो तो उसको मैं स्टार्टिंग से यहाँ पर बता दूंगा। बाकी जिनके पास एम्पलीफायर वाला है उसमें ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप करके देख सकते हैं, या फिर इसको भी देख सकते हैं, सीखने के लिए आपको बेस्ट वीडियो है, पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप कि आप लोग ज़रूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, सिंपल यहाँ पर कोई भी किट एम्पलीफायर की नहीं लगी हुई है, सिर्फ यहाँ पर एक कार्ड और सप्लाई यहाँ पर कनेक्टेड है। अब हमें इसमें अलग से एक एम्पलीफायर बोर्ड लगाना होगा। अब एम्पलीफायर बोर्ड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बेसिकली जो इसमें लगता है और सस्ता वाला जो आपको मिल जाएगा वो है 6283 एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि आपको नॉर्मली कम से कम रेट इसका बताऊं तो 10 से 15 रुपए में आसानी से आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आपको मिल जाएगा। इसकी वायरिंग का नाम भी बताऊंगा, वैसे मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इधर पर भी आपको बता दूंगा। और एक इस टाइप से आता है सप्लाई, देखिए ये डीडी फ्री डिश का सप्लाई है, इसमें आपको ये सप्लाई तो मिलेगा ही, साथ में इतना जो पार्ट है वो एम्पलीफायर का पार्ट है। यानी कि देखिए इसमें एक 20-25 नंबर की आईसी लगा के इसको एम्पलीफायर बना दिया गया है, देख सकते हैं आप, ये देखिए इतना सिर्फ ये डीडी फ्री डिश का पार्ट है, यानी कि इतना जो पार्ट है उसको आप डीडी फ्री डिश में यूज कर सकते हैं, बाकी इतना जो पार्ट और इतने कंपोनेंट हैं ये सब एम्पलीफायर से रिलेटेड है। अभी यहाँ पर अगर आपके पास ये है तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर ये नहीं है तो आप इसको परचेस कर लेंगे। अगर आपके पास एम्पलीफायर वाला बॉक्स है तो उसमें तो होगा ही, साथ में आपको एक और चीज़ परचेस करनी होगी, वो है आपका ब्लूटूथ चिप, यानी कि जो ब्लूटूथ वाली जो आपकी किट है आप उसे परचेस कर लेंगे। टोटल मैं इसमें खर्चा बताऊं 30 से 40 रुपए में ये मिल जाएगा, 10-20 रुपए में मिल जाएगा, मतलब 50 रुपए के आसपास का आपका ये खर्चा है, ठीक है, बस 50 रुपए में आपका ये परमानेंट एम्पलीफायर बनके तैयार हो जाएगा। इससे आप डीडी फ्री डिश का मज़ा तो लेंगे ही, साथ में एम्पलीफायर को भी आप इसमें चला सकते हैं। अभी यहाँ पर सब कुछ आपको डिटेल से बता देता हूँ, फिर यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन बताऊँगा। अभी देखिए जो 6283 आईसी है, यानी कि आईसी वाली जो एम्पलीफायर किट है, ये आपका 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, यानी कि आप इसको डीसी 12 वोल्ट भले चार्जर से दें, भले आप इसको इस किट से दें, भले बैटरी से दें, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। अब इसे हम 12 वोल्ट जो देंगे इस किट से देंगे, ठीक है, ये जो किट यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि जो सप्लाई यहाँ पर लगी हुई है, इसे हम 12 वोल्ट इसको देंगे। अब और दूसरी चीज़ है ये ब्लूटूथ चिप, ब्लूटूथ चिप ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो कनेक्शन यहाँ पर दिए गए, ये कनेक्टर मैंने अलग से यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो ब्लूटूथ चिप मिलेगी काफ़ी सिंपल यहाँ पर मिलेगी, VCC और GND मतलब 5 वोल्ट पॉजिटिव और ग्राउंड यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि मैंने इसके VCC और ग्राउंड में ये वायर जोड़ी हुई है, VCC बोले तो 5 वोल्ट, ग्राउंड बोले तो मतलब नेगेटिव, यानी कि 5 वोल्ट आप बैटरी से इसको देंगे तो ये चालू हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3 वायर हैं, ये कनेक्शन जो इसका है ये आपका बीच का ग्राउंड का है, और लेफ्ट और राइट के चैनल जो आपके सिग्नल आउटपुट होते हैं ना स्पीकर के लिए, यानी कि जो आपका एम्पलीफायर के लिए लेफ्ट राइट जो सिग्नल आउटपुट होते हैं ये दोनों हैं, ठीक है, अब बीच का ये ग्राउंड का है, 3 ये हो गए आपके आउटपुट और ये इनपुट यहाँ पर 5 वोल्ट, ठीक है, बस इतना सा इसमें कनेक्शन होता है, ज़्यादा इसमें कनेक्शन नहीं होता। अब बात रही इसको 5 वोल्ट देंगे कहाँ से, उसके लिए या तो आप 5 वोल्ट यहाँ इस बोर्ड से दे दें, ठीक है, यहाँ पर इस बोर्ड से 5 वोल्ट दे देना, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट के लिए ऑप्शन होता है और उस 5 वोल्ट का इस कार्ड में कोई भी काम नहीं होता, ठीक है, इस 5 वोल्ट को डायरेक्ट आप इस चिप को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जेनर डायोड आपने लगा लेनी है, यानी कि इसमें एक जेनर डायोड लगा लें ताकि 5 वोल्ट से इसको कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि होता है ना ये SMPS सप्लाई है भाई, फिक्स 5 वोल्ट तो इसमें आएगा नहीं, तो कभी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें एक जेनर ज़रूर लगा लेना है। तो इसमें या तो आप जेनर लगाइए या फिर आप इसको
अलग से एक 3805 दे के इसको 5 वोल्ट आप दे दीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जेनर कैसे लगाना है वो कल वाली वीडियो मैंने एक बनाई है, उसमें देख लेना, वैसे अभी इस वीडियो में भी बता दूंगा आपको। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है ये 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर होता है, यानी कि इसमें हमें 12 वोल्ट मिलता है। चलिए अभी इस सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ और आपको इसमें दिखाता हूँ कितना वोल्ट अभी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर केयरफुली हमें ये ऑन करना है। अब यहाँ पर ऑन कर चुका हूँ, अब यहाँ पर मल्टीमीटर रख लेता हूँ, उसमें आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। इसमें ज़्यादा ही वोल्टेज दिखाता है, लेकिन आप इसको एम्पलीफायर से चला सकते हैं, ठीक है, एम्पियर कम होता है इसे, सिर्फ एम्पियर आप एम्पलीफायर चला सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको मैं 200 पे सेट कर लेता हूँ। अभी कितना वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर, ये 23 वोल्ट आसपास दिखा रहा है, ठीक है। अभी इसको एक बार मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है। एक बार यहाँ पर अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर 23, यानी कि ये वोल्टेज ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भले ही आपको ज़्यादा वोल्टेज दिखाए आप टेंशन मत लीजिए, इसमें एम्पियर कम होता है और ये फूकेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है, इसे आपने 12 वोल्ट से कनेक्ट करना है। चलिए मैं इसको एक बार ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर एक कनेक्टर लगा के 12 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार मैं इसको बता देता हूँ कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर इस किट में मैंने इस कनेक्टर को कनेक्ट कर लिया है, और अब यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो ये चालू हो जाएगा। लेकिन इस मैं कनेक्टर किस पिन में कनेक्ट करना है, यानी कि इस किट में पॉजिटिव 12 वोल्ट और नेगेटिव 12 वोल्ट, यानी कि पॉजिटिव 12 वोल्ट और ग्राउंड का कौन सा पॉइंट है ये आपको बता देता हूँ। इस किट में जो आईसी इंस्टॉल्ड है वो है 6283 ऑडियो आईसी। अब यहाँ पर ये जो ऑडियो आईसी होती है ये फ्रंट का हिस्सा है, और यहाँ से आप लेग गिना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से गिनेंगे तो ये लास्ट वाली लेग होती है, तो ठीक है, लास्ट वाली लेग यानी 12 लेग इसमें टोटल है। तो 12वें नंबर की जो लेग है वो इसकी पॉजिटिव लेग होती है, यानी कि 12 वोल्ट आप इसको पॉजिटिव 12वें नंबर की लेग में देंगे, यानी कि इस लेग में यहाँ पर ये रहे, यहाँ से देखिए ये है, यहाँ तक एक डायोड लगी हुई है। कोई बात नहीं, डायोड तब लगी है जब इसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करेंगे, वहाँ से बिजली रेक्टिफायर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डीसी मिल रही, तो कोई बात नहीं, डायोड के इस तरफ से ही आप कर लीजिए या इस तरफ से भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर डायोड लगी है, तो यहीं पर हम इसका पॉजिटिव का पॉइंट जोड़ लेंगे। अब इसका नेगेटिव कौन सा होता है, 6 और 9 नंबर की पिन जो होती है इसकी, वो नेगेटिव की होती है, यानी कि यहाँ से गिनिए, यह है 3, यह है 6 नंबर की, ये 7 8 9, 6 और 9 नंबर की पिन जो होती है इसकी ग्राउंड की होती है, जो कि पट्टी यहाँ तक कनेक्टेड है। तो आपको पता चल गया 12वें नंबर की पिन है आपकी कौन सी, प्लस 12 वोल्ट, यानी कि बैटरी का 12 वोल्ट, और 6 और 9 नंबर में से जो पॉइंट आ रहा है ये आपका है ग्राउंड का, यानी कि 12 वोल्ट और ग्राउंड हमें मिल चुका है। अब स्पीकर आउटपुट कौन सा होता है इस किट में, ठीक है, 2 चैनल के लिए है, फिलहाल इसमें एक ही चैनल के लिए कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, तो स्पीकर आउटपुट कौन सा होता है वो आपको बता देता हूँ। स्पीकर आउटपुट इसमें 10वें नंबर की पिन से होता है, यहाँ से आप गिनेंगे तो ये नंबर की पिन आपकी 10वें नंबर की पिन होती है। 10वें नंबर की पिन पे एक कैपेसिटर आपको ऐसा मिलेगा जिसकी नेगेटिव की लेग खाली रहेगी, ठीक है, यहाँ से गिनिए, ये 10वें नंबर की पिन है, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि ये जिसकी वैल्यू 16 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड की है। ऐसा नहीं कि आपके उसमें 470 या फिर 16 वोल्ट का ही हो सकता है, कोई सा भी हो, लेकिन आपने 10वें नंबर की पिन पे वो कैपेसिटर ढूंढना है। अब इसकी ये नेगेटिव की लेग है, ये खाली है, देखिए कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल खाली ये पॉइंट दे दिया गया है। तो यहाँ से हम स्पीकर का पॉजिटिव लेंगे और स्पीकर का नेगेटिव आप लेंगे एक ग्राउंड से, जो इसका ग्राउंड है वहीं से आप ले लेंगे, ठीक है, बैटरी का ग्राउंड, स्पीकर के नेगेटिव का ग्राउंड और AUX का ग्राउंड एक ही होगा। अब AUX की पिन, AUX बोले तो जहाँ से आप सिग्नल इनपुट करते हैं ना, उसकी पिन कौन सी है, उसकी पिन है आपकी ये वाली, इसमें एक रेजिस्टेंस लगी है। अब ये कौन सी आपको बता दे, यहाँ से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 नंबर की पिन है, यानी कि जो 7वें नंबर की पिन है, आपको थोड़ा सा मैं क्लियरली दिखाऊँ, जो 7वें नंबर की पिन है उसमें से आप सिग्नल इनपुट कर सकते हैं। यहाँ से गिनिएगा, ये 6ठी है और ये 7वीं, 7वें नंबर की पिन पर यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर लगा है, और कैपेसिटर के बाद एक रेजिस्टेंस होती है। जैसे स्पीकर आउटपुट के लिए कैपेसिटर की एक लेग खाली थी, वैसे ही इनपुट के लिए एक रेजिस्टेंस की एक लेग खाली होती है, यानी कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है इसकी एक लेग यहाँ पर खाली होती है, जो कि कहीं से भी कनेक्टेड नहीं होती है। तो वो आपका AUX का पॉजिटिव होगा, और AUX का जो नेगेटिव है यानी कि ये वाला, वो आपका ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, यानी कि 6ठे 9वें नंबर की पिन से कनेक्टेड होगा। ये देखिए, ये ग्राउंड है, तो यहाँ से ये देखिए, ये पूरा ट्रैक एक ही है, भले आप यहाँ पर करिए, भले आप यहाँ पर करिए, भले आप यहाँ पर करिए, ये पूरा ट्रैक ग्राउंड का एक ही है, तो ठीक है, समझ गए।
तो सातवें नंबर की पिन इनपुट, सातवें नंबर की पिन पे जो रेजिस्टेंस लगी है उसकी एक लेग से इनपुट होगा, आउटपुट होगा दसवें नंबर की पिन पे जो कैपेसिटर लगा उसके नेगेटिव से आउटपुट होगा, यानी कि स्पीकर यहाँ पे आप जोड़ लेंगे। और बैटरी का बारहवें नंबर की पिन और ग्राउंड का छठे और नवे नंबर के पिन, सभी का ग्राउंड एक ही होगा, स्पीकर AUX एंड बैटरी का। बाकी आपको पॉइंट्स मैंने समझा दिए, बस यही इसमें समझने वाली चीज़ें होती हैं। अब इसमें हमने 7805 एक रेगुलेटर जो होता है रेगुलेटर IC उसको लगाना है, यानी कि जो 5 वोल्ट आउटपुट करती है। 7805 में इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि ब्लूटूथ के लिए 5 वोल्ट हम इस 7805 IC से निकालेंगे। अब इसमें देखिए, फर्स्ट नंबर की पिन आपकी इनपुट होती है और लास्ट नंबर की पिन आउटपुट होती है, यानी कि तीसरे नंबर की आउटपुट होती है। यानी कि फर्स्ट पिन में अगर आप 12 वोल्ट देते हैं तो सबसे लास्ट वाली पिन से आपको 5 वोल्ट मिलेगा, एक्यूरेट 5 वोल्ट मिलेगा, एक्यूरेट 5 वोल्ट मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब जो बीच की पिन होती है ग्राउंड होती है, इनपुट और आउटपुट का ग्राउंड बीच से कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि आप 12 वोल्ट इसमें फर्स्ट पिन पे देते हैं और 12 वोल्ट के साथ जो ग्राउंड आएगा वो बीच पिन पे आपका कनेक्ट हो जाएगा। और आउटपुट के लिए 5 वोल्ट तो यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा लेकिन बीच से ग्राउंड वही वाला निकल जाएगा, ठीक है। ग्राउंड इनपुट आउटपुट एक ही होगा, बाकी आपको मैंने बता दिया। अब इसको जोड़ना कैसे है, देखिए वैसे यहाँ पर ये जो यहाँ पर 12 वोल्ट का पॉइंट है इसमें और ग्राउंड में, इसको मैं कनेक्टेड कर देता हूँ इस तरीके से। ये 12 वोल्ट का है और ये बीच का ग्राउंड का है, तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कैपेसिटर है ना, यहाँ पर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि इस तरीके से इसको कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाली पिन है हमारी 5 वोल्ट आउटपुट की, इसे हम इस तरीके से ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कैपेसिटर में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 7805 को इस तरीके से मैं कनेक्ट कर लूँगा। बीच का ग्राउंड है कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट का जो कि कौन सा है 12 वोल्ट इनपुट का है तो यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा, यानी कि यहाँ से जो वहाँ से जो 12 वोल्ट इसके लिए आ रहा है तो इसको IC को भी मिल जाएगा और ये भी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। इसको इस तरीके से मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 12 वोल्ट के पॉइंट से इसके फर्स्ट लेग को कनेक्ट कर लिया है और बीच वाले से ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया है। अब हम जो इस ब्लूटूथ कार्ड के लिए जो इसके आउटपुट लेंगे, यानी कि जो सॉरी इस ब्लूटूथ कार्ड के लिए जो 5 वोल्ट लेंगे, अब देखिए 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि ये जो कनेक्टर है इसमें पहले मैं लगा लेता हूँ, ये कनेक्टर का जो पॉजिटिव वाला है उसको हम आउटपुट में लगा लेंगे। जो कनेक्टर का जो पॉजिटिव वाला है ये 7805 के सबसे लास्ट वाली पिन पे लगा लूँगा और जो ग्राउंड का है यहीं पर इसको ग्राउंड पे ही कनेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर देखिए इससे जो आउटपुट निकाला है हमने, ये देखिए ये जो दो वाइट वायर निकाल रखी हैं, एक ग्राउंड से कनेक्टेड है, एक आउटपुट से कनेक्टेड है। ये जो कनेक्टर है हमारा इस ब्लूटूथ के इस पे लग जाएगा, ठीक है, जहाँ से हम 5 वोल्ट इसको इनपुट कराएंगे यहाँ पे लग जाएगा। अब कौन कौन सी वायर बची हैं, इसको भी पावर के लिए इसमें कनेक्टर जोड़ लिया है, इसको भी पावर के लिए यहाँ पर कनेक्टर जोड़ लिया है। अब इसको जोड़ लेंगे हम इस जगह पे पावर के लिए, ठीक है, इस जगह पे हम इसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो ऑडियो इनपुट के लिए मैंने पॉइंट्स बताए थे, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स जो हैं इसको हम इस वायर को निकाल लेंगे और इनपुट के लिए वो जो कनेक्टर से हमारे आ रहे हैं ना जो सिग्नल के लिए, उसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। ग्राउंड को हम ग्राउंड पे और इनपुट को लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ लेंगे। वैसे इसमें लेफ्ट एक ही चैनल के लिए दिया गया है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चैनल का हम कनेक्शन करेंगे, यानी कि इस कार्ड से हमारे 3 वायर आए हुए हैं, ठीक है। अब हम एक लेफ्ट का जो कनेक्शन है ऑडियो इनपुट में आपको बताया था ना, जो रजिस्टेंस हमारी खाली रहती 7वें नंबर की पिन पर, उसको हम इधर पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो चुका है और जो ग्राउंड का है, जो कार्ड से हमारा ग्राउंड आ रहा है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। अब राइट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो राइट के लिए अभी हम कनेक्शन नहीं करेंगे। हाँ, जो आपके पास एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें जो उसमें अगर राइट के लिए है तो वहाँ पर राइट के लिए जो रेजिस्टेंस दिए उसमें आप कनेक्ट कर लेंगे, तो उसी के बगल में जस्ट कनेक्शन होता है तो उसको आप कनेक्ट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक ही चैनल के लिए तो एक ही चैनल को कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉल्यूम का इसमें डिमांड करते हैं, तो वॉल्यूम की हम कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, यही पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम का भी वैसे बता दूँ, जिनके एम्पलीफायर यानी कि सेटअप बॉक्स में वॉल्यूम का स्विच है तो क्या करेंगे, वे क्या करेंगे, जो ये कार्ड का जो लेफ्ट वाला है, ठीक है, लेफ्ट वाला यानी कि ये वाला वायर है, सॉरी ये ग्राउंड का है, जो लेफ्ट वाला वायर है यानी कि ये वाला वायर, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, लेफ्ट या राइट का कोई सा भी वायर वॉल्यूम स्विच के, यानी कि मैं आपको एक वॉल्यूम स्विच में बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये जो वॉल्यूम स्विच है जो आपके इस सिस्टम पे लगा हुआ है वॉल्यूम स्विच, उसके फर्स्ट वाली लेग में आप कनेक्ट कर लेंगे। यानी कि ये जो लेफ्ट का वायर है ग्राउंड को तो ग्राउंड से जोड़िएगा,
ठीक है, और लेफ्ट का जो वायर है उसको आप वॉल्यूम स्विच के सबसे पहले वाले पॉइंट पर जोड़ लेंगे, यानी कि इस वाले पॉइंट पर जोड़ लेंगे बस। बाकी ये जो बीच का जो लेग है वो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए जो आपका कार्ड से आ रहा है ना लेफ्ट चैनल का जो वायर, इसको आपने वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाले पॉइंट से जोड़ लेना है, बस इतना करना है। और जिनके उसमें कनेक्शन जिनके उसमें वॉल्यूम स्विच लगा हुआ उनके उसमें तो ऑटोमेटिकली बीच वाला जो वायर है वहाँ से कनेक्टेड होगा। अब जो इसमें अलग से लगाना चाहते हैं वॉल्यूम स्विच, वो क्या करेंगे, वो ऐसा करेंगे कि एक वायर बीच से आप उठाएंगे और वहाँ पर उस पॉइंट पे दे देंगे, यानी कि किस पॉइंट पे देना है आपने, डायरेक्ट वहाँ पर जो जो पहले आपने कनेक्ट किया था ना वायर, बिल्कुल उसी में, बस बीच में ये वॉल्यूम स्विच हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए पहले वायर हमने इस जगह पे कनेक्ट किया था AUX इनपुट पे, तो इसमें ही कनेक्ट कर लेना है, यानी कि जो वॉल्यूम स्विच है उसका जो बीच का वायर आप उठाएंगे वो देंगे सीधे वहाँ पर रजिस्टेंस AUX इनपुट वाले पॉइंट पर, और जो ब्लूटूथ कार्ड से आया हुआ आपका जो सिग्नल का वो वॉल्यूम स्विच को फर्स्ट में दे देना है, बस इतना ही करना है। जिनके उसमें ये वॉल्यूम स्विच लगा हुआ है वो तो ब्लूटूथ कार्ड का जो पहला वायर है वो पहले वाले स्विच में दे देंगे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ एक काम और कर लेना आप, यहाँ से एक वायर और उठा लेना, ठीक है, इसमें एक वायर आप क्या करना, सबसे लास्ट में कनेक्ट कर लेना, एक वायर को सबसे लास्ट में कनेक्ट कर लेना, और उसको भी आप ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना, यानी कि जो सबसे लास्ट में जो वायर आपने लगाई है उसको ग्राउंड के पॉइंट से कनेक्ट कर लेना, यानी कि ग्राउंड बोले तो 6 और 9 नंबर की जो पिन है वो आप उससे कनेक्ट कर लेना। यहाँ पर ग्राउंड इसके बगल में आ रखा है तो यहीं पे हम कनेक्ट इसको कर लेते हैं। चलिए ये सारे ग्राउंड के ही पॉइंट हैं, इसको मैं इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, बस इतना करना है। आपका वॉल्यूम स्विच भी यहाँ पर लग के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर सारे कनेक्शन हो चुके हैं, ये कार्ड से कनेक्टेड होना है। अब यहाँ पर करना क्या है, स्पीकर का, हाँ एक जो कनेक्शन है हमारे स्पीकर का है, तो चलिए यहाँ पर इस स्पीकर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल आपको टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। इस स्पीकर को यहाँ से कनेक्शन कर लेता हूँ। स्पीकर का मैंने आपको कौन सा पॉइंट बताया था आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। स्पीकर के लिए आपने एक तो आपने स्पीकर का वायर ग्राउंड कर लेना है। अब देखिए स्पीकर आप इसके अंदर तो लगाएंगे नहीं, तो स्पीकर के लिए वैसे जो ये किट ऑलरेडी आपके बॉक्स में इंस्टॉल्ड है तो स्पीकर के लिए वहाँ पर आपको पीछे पॉइंट मिल जाएंगे आउटपुट के लिए, ठीक है। अगर ये किट आप अपने हाथ से इंस्टॉल कर रहे हैं तो स्पीकर के लिए यहाँ पर आपको जो कैपेसिटर मैंने बताया था ना 10वें नंबर की पिन पे जो कैपेसिटर वहाँ पर एक लेग खाली रहती है जिसकी नेगेटिव वाली, बस स्पीकर का एक वहाँ पे जोड़ लो, एक आप ग्राउंड कर लो, ग्राउंड कहीं से भी, ये ग्राउंड है आपका यहाँ से, इसका ये ग्राउंड है, जो ग्राउंड मैंने 6 और 9 नंबर से पिन से बताया था बस वही आपने कर लेना है। चलिए इसको मैं उस कैपेसिटर पे और ग्राउंड पे जोड़ लेता हूँ स्पीकर का ये वाला वायर, ठीक है, दोनों वायर को। तो यहाँ पर देखिए जो स्पीकर के दो वायर ये हैं, यहाँ से एक तो ग्राउंड कर लिया है मैंने, ये जो 6 9 नंबर का जो पॉइंट आ रहा है ये यहाँ पर ग्राउंड कर लिया एक वायर को, एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया जो हमारा कैपेसिटर, सॉरी ये जो है यहाँ से एक कैपेसिटर हमारा जो जिसका नेगेटिव खाली है ना ये वाला, इससे हमने कनेक्ट कर लिया है, यानी कि ये पूरे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब इस किट को हम एक स्क्रू की मदद से यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं, तो आप लगा के इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस रहता है, ये यहाँ पर कनेक्ट इजीली हो जाएगा इस तरीके से। तो चलिए फिर जल्दी से मैं इसको कस लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली इसको मैं कस चुका हूँ, अगर ये आपको ऊपर को ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या करना है इसको थोड़ा सा मुड़ा लेना, ठीक है, तो इस तरीके से फिट अच्छी तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बताऊं, सबसे पहले आपने इसके वोल्टेज को चेक कर लेना है, यानी कि जो इसके लिए आउटपुट 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं इसको आपने कंफर्म कर लेना है, क्योंकि एक छोटे सा गलती आपके इस कार्ड को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इसी में हम चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं इसको पावर दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसे पावर दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सप्लाई को चेंज कर लिया है, असल में हुआ क्या था, वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप हो रहे थे और ये प्रॉपरली ऑन नहीं हो रहा था, वो ये बॉक्स मेरे पास रिपेयर के लिए आया था तो यहाँ पर सप्लाई में दिक्कत होने की वजह से दिक्कत करता, तो मैंने सप्लाई यहाँ पर चेंज कर ली है। तो चलिए फिर इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर चलिए नेगेटिव को नेगेटिव पे और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें जो वोल्टेज मिल रही है अभी, हाँ ठीक है, अभी 17 वोल्ट, उसमें ज़्यादा मिल रही थी, उस समय वो सप्लाई ख़राब थी इसलिए ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट कर रही थी, एम्पियर कम था,
जैसे मैंने इसको लोड दिया तो वहाँ पर 2-3 वोल्ट बज गया था। अभी यहाँ पर ठीक है, अभी लोड पे भी है, सब कुछ है, उसके बाद में 17 वोल्ट बिल्कुल ठीक मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहाँ पर ऑन हो चुका है, देखिए आपको मैं इसके AUX पॉइंट पे उंगली टच करके दिखाता हूँ, हमिंग मारेगा, देखिए ये हमिंग मार रहा है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ये हमने कन्फर्म कर लेना है, ठीक है, वरना क्या होगा आपका ब्लूटूथ का ये जो कार्ड है ये ख़राब हो सकता है। अभी यहाँ पर सबसे पहले इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं और इसको आउटपुट में लगा लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप डिस्प्ले पर देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर ये ग्राउंड है और यहाँ पर अब देखिएगा एक्यूरेट 5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है इस कार्ड के लिए। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सुनिएगा, चलिए वॉल्यूम काफ़ी कम की थी मैंने, अब आपको सुनाता हूँ। देखिए इसको मैं जैसे ऑन करता हूँ यहाँ पर साउंड दे देगा, देखिए सुना होगा आपने इसका साउंड आ चुका है। अब चलिए यहाँ पर मैं इसको आपको एक बार टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ, इसमें ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है, चलिए अब इसके सॉन्ग को हम प्ले कर लेते हैं, तो इसका साउंड आप सुन सकते हैं। और दोस्तों इसके वॉल्यूम को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके कंट्रोल हो रहा है, आप इसको जितना फुल करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देनी होगी, देखिए आपको, चलिए मैं इसको पाउच करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, चलिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, जिसके अंदर वॉल्यूम स्विच कनेक्टेड है वो तो ठीक है, नहीं तो आपने इसमें इस वॉल्यूम स्विच को कहीं ना कहीं पे जहाँ पर भी आपको खाली जगह मिलती है वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। वैसे दोस्तों इस बॉक्स में मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि इस बॉक्स को मेरे पास रिपेयरिंग के लिए यहाँ पर लाया गया है, इसमें ये चीज़ फिट नहीं करनी। बस आप लोगों की कुछ कमेंट्स थी कि सर ये चीज़ हमें सिखा दो, मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पर बता दिया। बाकी आप लोग इस वॉल्यूम स्विच को किसी भी एक कोने पे आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर भी ये खाली जगह है यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। बाकी इस चिप को आप किसी भी पॉलीथीन वगैरह से इसको लपेट के आप किसी जगह पे रख सकते हैं, इसको ग्राउंड बिल्कुल भी आपने कहीं पे भी नहीं रखना, बॉडी के किसी भी हिस्से में नहीं रखना, ये आपका चिप ख़राब हो सकता है, ठीक है, इसको आपने इस तरीके से कर लेना है। बाकी इस तरीके से आपको जो कनेक्शन बताए गए हैं वो अच्छे तरीके से आपने करने हैं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर आपने ज़रूर करना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।